गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस योर हिंदी क्लास। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना चैप्टर 3, महात्मा और चुहिया। हमने ये पहले पूरा आपको एक्सप्लेन किया था, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, सबसे पहले हम इसकी पढ़ते हैं कठिन शब्द। देखिए कठिन शब्द क्या हैं, घायल, झपट्टा, पंजों, कुत्ता, चुहिया, शक्तिशाली, महात्मा, प्रार्थना, तुरंत और जंगल। ये सारे कठिन शब्द हैं, इनको आप पढ़ेंगे अपनी कॉपी में बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसके शब्द अर्थ। शब्द अर्थ हैं घायल। घायल क्या होता है, जिसे चोट लगी हो, है ना। दया, दया मीन्स तरस। निडर, निडर मीन्स जो डरता ना हो, मतलब जो जो किसी से नहीं डरता उसको क्या बोलते हैं, निडर बोलते हैं ना उसको। प्रार्थना, प्रार्थना क्या होता है, विनती। विनती मतलब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, किसी भी बड़े से प्रार्थना करते हैं ना अपने, तो क्या करते उसको विनती बोलते हैं। नज़र, नज़र मीन्स निगाह। रोज, रोज मीन्स प्रतिदिन। शक्तिशाली, शक्तिशाली मीन्स क्या होता है, ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, है ना। तुरंत, तुरंत मीन्स उसी समय, दुकान तुरंत हो जाए, मतलब उसी समय हो जाए उसको बोलते हैं तुरंत। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसे क्वेश्चन आंसर। प्रश्न उत्तर क्या है, देखिए मौखिक प्रश्न क्या है, पेड़ के ऊपर कौन बैठा था, कौन बैठा था पेड़ के ऊपर, कौवा। महात्मा के हाथ पर क्या आकर गिरा, महात्मा के हाथ पे क्या गिरा था आकर, चुहिया गिरी थी ना, तो यहाँ लिख देंगे चुहिया। ये आप अपने क्वेश्चन आंसर जो है कॉपी में करेंगे। कुत्ते से बचकर चुहिया किसके पास गई, कुत्ते से बचकर चुहिया किसके पास गई थी, महात्मा के पास गई थी ना। महात्मा जी से क्या कहने गई थी कि मुझे शेर बना दो, है ना, तो महात्मा जी के पास गई। सही उत्तर पर टिक लगाइए। अब क्या देखिए, इसमें आपको टिक लगानी है। कहे महात्मा ने चुहिया को सबसे पहले क्या बनाया, क्या बनाया था, कुत्ता, बिल्ली या शेर, क्या बनाया था, बिल्ली बनाया था ना, ये बिल्ली पे टिक लगा देंगे। चुहिया से बिल्ली ज़्यादा होती है तो उसको बिल्ली बना दिया था। महात्मा को मारने के लिए उन पर कौन झपटा, महात्मा को मारने के लिए कौन झपटा था, शेर, कौवा या कुत्ता। शेर, क्योंकि पहले बिल्ली बनाया था, फिर उसको कुत्ता बनाया था, फिर शेर बना दिया था, तो शेर ने सोचा कि मैं इस महात्मा को मार दूँ वरना ये किसी को बता देगा, तो शेर। ओके, बिल्ली किसके पीछे भागी थी, चुहिया के, कौवे के या कुत्ते के, किसके पीछे भागी, चुहिया के। ओके, नंबर 2, रिक्त स्थानों को भरिए। क्या है रिक्त स्थान, देखिए कौवे की नज़र पेड़ के नीचे घूम रही एक किस पर पड़ी, डैश पर पड़ी, किस पर पड़ी, चुहिया पर पड़ी। कौवे ने किस पर पड़ी, चुहिया पे पड़ी। नंबर खाए महात्मा चुहिया को अपनी डैश में ले गया, कहाँ ले गया, कुटिया में, कुटिया में ले गए ना महात्मा जी चुहिया को। फिर है ग, बिल्ली रोज कटोरा भरकर क्या पीती थी, दूध पीती थी ना, यहाँ पर दूध भर देंगे हम। घ, डैश जंगल का राजा होता है, कौन होता है जंगल का राजा, शेर, शेर होता है ना जंगल का राजा। नंबर 3, उत्तर लिखिए, चुहिया को किसने घायल किया था, चुहिया किसने घायल किया था, चुहिया को कौवे ने घायल किया था, अपनी चोंच में दबा कर ले गया था ना, तो चुहिया को कौवे ने घायल किया था। चुहिया कहाँ गिरी, चुहिया महात्मा जी के हाथ में गिरी थी, कहाँ गिरी थी, हाथ में गिरी थी ना, जो जल में खड़ी थी, तो चुहिया महात्मा के हाथ में गिरी। चुहिया शेर क्यों बनना चाहती थी,
चुहिया शेर इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि शेर को किसी का डर नहीं होता है, वह जंगल का राजा होता है। ये वाले सारे क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में करेंगे और इसको लर्न करेंगे। नंबर 4, लिखो और सीखो। चुहिया, झपट्टा, घायल, महात्मा, जंगल, प्रार्थना, निडर, शक्तिशाली, ये सब आप अपनी यहाँ पर लिखेंगे और इनको बिना देखे लिखने की भी प्रैक्टिस करना, ओके, जिससे आपको अच्छे से लिखना आ जाए। देखिए इन चित्रों के नाम लिखिए, ये क्या है, चम्मच है ना, यहाँ चम्मच लिख दिया हमने। ये क्या है, गन्ना, यहाँ पे गन्ना लिख दिया। ये क्या है, मम और अन्य दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं ना, ये क्या संयुक्त व्यंजन के उसमें है, ठीक है। पाठ में से ऐसे शब्द छांट कर लिखो, लिखिए जिनमें दो व्यंजनों का मेल हो। ये भी मैं आपको इसमें से लिखवाती हूँ। देखिए अन्न, अन्न क्या है, दो व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है ना, अन्न, छत्ता, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है, दो दो व्यंजनों से मिलके बने हुए ना। नंबर 3 है, इन दो व्यंजनों के प्रयोग से दो दो नए शब्द बनाइए। देखिए ट ट दिया हुआ ना, तो इसको मिलाकर क्या बन गया, झपट्टा, और क्या बन सकता है, इकट्ठा। न न दिया हुआ है, तो इसको मिलाकर क्या बन जाएगा, अन्न। पन्ना, ल ला दिया हुआ तो पल्ला और गल्ला, इस तरह के शब्द बन जाएंगे। नंबर 4 है, चित्र पहचान कर नाम लिखिए। देखिए क्या है, क्या बना है, पत्ता है ना, यहाँ पर पत्ता लिख देंगे हम। और क्या है, बस्ता, यहाँ पर बस्ता लिख देंगे, ओके। क्या है, चींटी, यहाँ पर चींटी लिख देंगे। देखिए सोचो और बताओ, महात्मा का घर कुटिया था, इनके घर को क्या कहते हैं, महात्मा के घर को कुटिया कहते हैं, तो इन सबके घर को क्या कहते हैं, देखिए क्या है, चुहिया, चुहिया के घर को क्या कहते हैं, बिल कहते हैं ना, तो बिल बना हुआ है। ये क्या है, शेर, शेर के घर को क्या कहते हैं, गुफा। और ये क्या है, घोड़ा, घोड़ा के घर को क्या कहते हैं, अस्तबल, अस्तबल है ना। ये क्या है, चिड़िया, चिड़िया के घर को क्या कहते हैं, घोंसला। और क्या है, चींटी, मधुमक्खी है ये, इसके घर को क्या कहते हैं, छत्ता, ओके। कौन सी पूंछ किसकी, पहचानिए और सही पूंछ बनाइए। ये वाला आप काम जो है ये आप अपने होमवर्क में करेंगे, ओके। ये वाली आप पूछ पहचान कर उसको बनाएंगे। नंबर 2 है, चित्र पूरा करके उसमें रंग भरिए। ये वाला चित्र भी आप देखिए, ये बना हुआ है ना, चुहिया बनी हुई है, इसको आप कंप्लीट करेंगे पेंसिल से और इसमें कलर भरेंगे। ये आपका होमवर्क में है, ये भी होमवर्क है और ये भी होमवर्क है, ओके। दोनों चीज़ होमवर्क में करेंगे और मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है। और ये सारा काम जो है आप ये अपनी कॉपी में करेंगे और ये बुक में भरने वाला बुक में भरेंगे और लर्न करेंगे। जो ना समझ में आए वो आप मुझसे पूछेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।